तुम्हारी मोहब्बत की दोनों दास्तानें खत्म हो गई। अब खत्म होने की बारी तुम्हारी है। अपने अम्मी अब्बू और अपनी बहन को मेरा सलाम कहना। हमारा साथ बस बस यही तक का था। लेकिन एक वादा करो मुझसे, जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती तुम हार नहीं मानोगी। वज़ीरा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। वज़ीरा, आप संभालिए अपने आप। वज़ीरा, 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 वज़ीरा। जाया नहीं जाएगी, मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी। जिस शैतान ने आपको इतनी तकलीफें दी है ना शाह, उसका वक्त आ चुका है। अब और किसी को तंग नहीं कर पाएगा, सिर्फ नई शर्म बची और उसको उसने किए की सजा जरूर मिलेगी। कोई शैतान नहीं बचेगा, कोई शैतान नहीं बचेगा। मेरी जिंदगी से तकलीफें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो सनम की बच्ची, उसने मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया और उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर मुझे पैदल चल के आना पड़ा। अरे 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 अरे, अरे देखो तो जरा पाव कैसे वो हो गए। इतनी तकलीफ सहने के बाद भी पता नहीं कोई अच्छी खबर आएगी भी या नहीं। इंसान की शक्ल अगर खराब हो ना तो उसे बातें तो अच्छी करनी चाहिए। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे क्या? बोलते हैं भी कोशिश कर ले सनम, इस दुनिया से शैतानों को खत्म नहीं कर सकती तू। जब तक मेरे बदन में खून का एक भी कतरा बाकी है ना, मैं तुझे सुकून से जीने नहीं दूंगी। रजिया भी का फोन है, वो बच गई। अब हेलो, मैं अच्छी खबर सुनने के लिए बहुत बेचैन हूँ, मुझे जल्दी से अच्छी खबर सुनाई। अच्छी खबर जरूर होती अगर तुम दबाकर वहां से भागी ना होती। शाद मर चुका है लेकिन सनम मुझसे बचकर भाग निकली। हाँ, उसे ये जरूर लगता है कि मैं भी मर गई हूं, तो इसका मतलब यह है कि अब वो सीधा तुम्हारे पास आएगी। शाद मर गया, अब मैं सनम कुछ किसका नाम लेकर डराऊंगी? तुम्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि तुम एक ऐसे घर में रह रही हो जिसने इतनी साजिशें देखी। तुम में हिम्मत हो ना हो, उस घर की दीवारों में बहुत हौसला है। कुछ नहीं होगा तुमको, महफूज हो तुम उस घर में, बिल्कुल महफूज।
ने अपने आदमियों को तुम्हारे पास भेज दिया है। सनम तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उससे पहले ही मेरे आदमी सनम को खत्म कर देंगे। सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। जाओ। हाँ। किसी भी रास्ते से सनम अंदर नहीं आनी चाहिए। जल्दी जाओ। हाँ, ओके। देखिए, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने कर दिया है। जख्म तो फिर भी जल्दी भर जाएंगे, निशान तो वक्त के साथ ही मिट पाएंगे। कि निशान मिटने नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। जी ये निशान मेरे चेहरे पर नहीं, मेरी रूह पर लगे हैं। हर निशान की अपनी एक दास्तान है कि कैसे अल्लाह ने हर वक्त से नजरें फेरी। मैं ताज़ जिंदगी एक मजलूम रही, लेकिन मुझे हर किसी ने एक बुरी औरत ही समझा। एक औरत अपने शौहर में अपनी दुनिया ढूंढ लेती है, बस शौहर के लिए वो दुनिया छोटी पड़ जाती है। आप जानती नहीं है, हमारे शौहर यहीं पर है। कौन है तुम्हारा शौहर? हमारे शौहर का नाम है गफूर अहमद सिद्दीकी। बेवफाई मेरे शौहर ने मुझसे की और बुरी बनी मैं। मैंने जब भी जिस पर भी यकीन किया उसने मुझे दगा दिया। मैं जिसे बर्बाद करने चली थी उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे हजार बार जिल्लत मिली, मुझे हजार बार रुलाया गया, हजार बार मुझे मेरी जगह से गिराया गया। लेकिन जो सीने में पक्के इरादे रखते हैं उन्हें गिरकर संभलना आता है। वो बेशक कुछ बाजियां हार जाए लेकिन खेल खेलना कभी नहीं छोड़ते। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। मेरी जीत बेशक ना हुई हो लेकिन मेरी हार भी नहीं होगी। मैं मौत के मुंह से बचकर इसलिए वापस नहीं आई हूं कि इतनी आसानी से हार मान लूं। ये कहानी तब तक अधूरी है जब तक मुझे मेरी जीत न मिल जाए, मुझे वो सब कुछ हासिल न हो जाए जो मेरा है। आज सनम का बेशक जो भी अंजाम हो लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक पूरी दुनिया को ये ना साबित कर दूं कि मुझे हरा पाना नामुमकिन है। मैं पूरी दुनिया को अपना एक नया वजूद दिखाऊंगी। अभी तो मैं जा रही हूं लेकिन मैं बहुत जल्द लौटूंगी इस दुनिया को दहशत का एक नया चेहरा दिखाने। अभी मेरी किस्मत ने और कुछ नहीं, मेरे सामने एक नई बिसात बिछाई है।
और अपनी किस्मत के साथ ये खेल मुझे फिर से कबूल है। शशि कपूर का प्लान नाकामयाब करके और उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर बहुत सी जिंदगी बचाई है आपने। शशि कपूर को बेनकाब करने का काम तो वजीरा और शाह ने किया। वो सच में इन दोनों मुल्कों की दोस्ती के लिए शहीद हुए हैं। मैं पाकिस्तानी आर्मी से दरखास्त करूंगा कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। चलता हूँ, खुदा हाफिज। आज मैं आपकी मौत के सबसे बड़े गुनहगार को उसकी सजा देने जा रही हूं। नहीं सनम, ने आपको बहुत तंग किया ना। आपको डराती रही वो, लेकिन अब उसके डरने की बारी। अपनी मौत से पहले वो हजार मौतें मरेगी। आज उस बुराई की ताकत को खुदा की ताकत के आगे झुकना ही होगा। उसकी मौत के साथ मेरे इंतकाम के सफर को अपना मुकाम मिलेगा। हम दोनों चाहे एक नहीं हो पाया है, लेकिन अब कोई दो प्यार करने वालों को अलग करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। क्योंकि हर बुरी ताकत हमारी मोहब्बत की कहानी को और मेरे इंतकाम की कहानी को याद रखेगी कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अरे इतनी तैयारी, एक लड़की आ रही है या पूरी हिंदुस्तान की फौज? अरे मुआ कमबख्त मारा, वो जो सनम है ना, वो हिंदुस्तानी फौज से कोई कम वो नहीं है। खतरनाक। हाँ। मौत की आंखों में आंखें डाल के अपने प्यार के लिए कसम खाई है। हाँ। और उसके साथ आहिल बाबा का प्यार है। हाँ। और जिसके साथ प्यार की ताकत होती है ना, उसे कोई नहीं हरा सकता। हाँ। वाह,
किसी ने सही कहा, जब तूफान आता है ना, तब जहाज में से सबसे पहले चूहे निकल कर भागते। चूहे? बहुत प्यार आ रहा है ना अपनी सनम पर कि उसके नाम की रट लगाए बैठे हो। और तुम यहाँ पर काम करने आए हो फिर गप्पे लगाने आए हो? याद रखो, जब तक सनम मर नहीं जाती तब तक कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। वो कुछ भी कर सकती है। तुम वहां पर आराम से उसे बंद करो, अच्छी तरह से बंद करो, पूरी अच्छी तरह से बंद करो। बेगम साहब, बेगम साहब, अरे ऐसे बंद करो, अरे की ठोको, ठोको जल्दी। बेगम साहब, क्या है? जरा एक मिनट सेड़ में आना। सेड़? बेगम साहब, उस सनम को तो अपना वो बदला तो लेगी, मतलब उसको और कोई काम धंधा तो है नहीं। आज नहीं तो कल उसे मौका मिल ही जाएगा बेगम साहब। नहीं, और ये सिक्योरिटी हमेशा के लिए यहाँ नहीं, ये तभी तक है जब तक मेरा प्लान पूरा नहीं हो जाता। इतनी चालें चलने के बावजूद आप और भी चालें चलने वाली है? इंसान जब तक जिंदा है ना, जिंदगी के लिए चालें चलता रहता है। मैं एक ऐसी शैतानी चाल चलूंगी जिसके खत्म होते ही सनम इतनी कमजोर हो जाएगी कि मैं उसे मक्खी की तरह मसल दूंगी। अब मुझे सनम से जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब बस मुझे पूरी शिद्दत के साथ अपनी शैतानी ताकत को जगाना है। बस एक बार मेरी शैतानी ताकत जाग गई, फिर मैं सनम को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगी। अब इन सब से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, बिल्कुल नहीं सोचूंगी। सच्ची मोहब्बत की ताकत क्या है? ये शैतानी ताकत किसी काम की नहीं होती, किसी काम की नहीं होती। और अब तो मेरी मोहब्बत और भी गहरी, मोहब्बत और भी गहरी होगी। ये सिर्फ मेरा वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। सनम यहाँ हो ही नहीं सकती, सारे खिड़की दरवाजे बंद है, तो फिर वो यहाँ कैसे होगी? मैं सनम के डर को खुद से बहुत दूर कर दूंगी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगी। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज से तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू। शैतान के चाहने से इंसान की हाथ की लकीरें नहीं बदलती। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं! 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 नहीं!
नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी।